हेमा मालिनी ने बैकग्राउंड डांसर के तौर पर काम किया है, जानते हैं। हेमा मालिनी बॉलीवुड की मोस्ट गॉर्जियस और टैलेंटेड एक्ट्रेस में से एक है। एक्ट्रेस ने 70 के दशक में इंडस्ट्री पर राज किया है। उनकी एक्टिंग, डांसिंग और डायलॉग डिलीवरी खूब चर्चा में रही थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हेमा ने इंडस्ट्री में शुरुआती दिनों में काफ़ी स्ट्रगल झेला है? अखबार और फिल्मी पत्रिकाओं में प्रकाशित खबरों के मुताबिक हेमा ने जब साउथ फिल्मों में काम किया था तब लुक की वजह से रिजेक्शन झेला था। 1963 में हेमा मालिनी ने तमिल फिल्म में बैकग्राउंड डांसर के तौर पर काम किया था। वही एक तमिल प्रोजेक्ट वेनिला रेडाई में हेमा को दुबली पतली होने की वजह से रिजेक्ट कर दिया था। 1968 में हेमा मालिनी ने हिंदी फिल्मों में शुरुआत की थी। वो फिल्म सपनों का सौदागर में नजर आई। इस फिल्म में वो राज कपूर के अपोजिट के रोल में थी। उनके काम की वजह से उन्हें ड्रीम गर्ल का टाइटल मिला था। 1970 में रिलीज हुई फिल्म जॉनी मेरा नाम उनके लिए ब्रेक थ्रू साबित हुई। हेमा ने देवन संग स्क्रीन स्पेस शेयर किया था। फिल्म हिट हुई। इसके बाद हेमा ने सितारों गीता, अंधा, सत्य बेसत्ता और लाल पत्थर, शोले जैसी फिल्में की। फिल्म शोले में वो बसंती के रोल में नजर आई थी। हेमा का ये रोल आज भी आइकॉनिक है। फिल्म